हाँ जी। तो दोस्तों आज हम आ गए हैं माउंट आबू और यहाँ पे हमको एक बाबा जी यहाँ पे कई सारी अच्छी चीजें बेचते हुए दिख गए, तो एक बार इनसे पूछते हैं कि तो अंकल जी ये आम मतलब ये कहाँ से लेके आए हो आप? ये जंगल से जी। जंगल से? तो ये दवाई वाले आम नहीं है? नहीं नहीं, एकदम प्योर आम है, गारंटी इनकी। क्या भाव है ये? 30 रुपए किलो। अच्छा 30 रुपए किलो ही है, मतलब जयपुर में हमारे तो 50 रुपए किलो होते, तो भी दवाई वाले। और ये क्या है अंकल जी? लाल मूली। अच्छा लाल मूली, ये कहाँ पे होती है? अच्छा माउंट आबू में होती है। तो आप मतलब जामुन है? जामुन भी माउंट आबू में होता है। हाँ ये जामुन भी मतलब बहुत, जैसे हमने पहले भी खाए तो बहुत मोटे भी होते हैं, बहुत रसीले भी होते हैं। तो आप ये डेली लाते हो यहाँ पे? अच्छा डेली यही धंधा करते हो। तो कितना मतलब इसके लिए डेली जाते हो आप तोड़ने? कितना किलोमीटर आपको चलना पड़ता है? 4 किलोमीटर। और इसको तोड़ के लाना पड़ता है आपको? अच्छा तो अब इनका सीजन यही है या फिर कब? अच्छा कैरी का ही सीजन देगा। चलो ठीक है, तो हमको ऐसा करो, एक तो आम की प्लेट दे दो और एक जामुन तो खैर हमने खा लिया, और एक मूली की प्लेट दो आप। ठीक है। तो इसका क्या क्या रेट है अपना? इसका 20 रुपए। अच्छा इसका 20 रुपए और इसका? इसका भी 20। तो ये हमारी जो मूली है, पहले तो हम इसको टेस्ट करते हैं एक बार। तो इसमें देखो ये अंकल जी ने मसाला डाला है ना, नमक और मिर्ची का। तो इसका टेस्ट तो एकदम मूली का जैसा है, थोड़ी ये ज्यादा तीखी है नॉर्मल जो अपनी मूली होती है, पर अलग ही टेस्ट है इसका। तो आप भी कभी माउंट आबू में गुरु शिखर अगर जाएं तो यहाँ पे आपको ये बाबा जी मिलेंगे, तो उन बाबा जी के पास आओ और ये आम और ये मूली जामुन वगैरह। तो इसमें आलू का मसाला भर रहे हो आप ना? दाबिली का शायद बर्गर जैसा आता है वो? हाँ वो बड़ा पाव रहता है, ये छोटा पाव है, ये डबल पीस आएगा। अच्छा, वो सिंगल ही रहता है। वो सिंगल रहता है। टेस्ट तो एक सा ही होता है, वो तो बना हुआ तो वैसे भी मैदा से ही है। ये क्या डाल रहे हो भैया? सिंग दाना। हाँ सिंग, सिंग दाना, सिंग मतलब मूंगफली के दाने। मूंगफली के। सही प्याज आ गए अपने। तो एक में कितना पीस आता है? ये 2 पीस का एक सेट है। अच्छा 2 पीस का एक सेट है। तो आप तेल वगैरह भी कौन सा यूज करते हैं? ये सोयाबीन। सोयाबीन का ऑयल है। नमकीन डाल दो। बस हो गया। सॉस है? लहसुन का चटनी जी। उनको चलो थैंक यू भैया। काला नमक, जलजीरा और नींबू। अच्छा आप क्या क्या डाल रहे हो? पुदीना। पुदीना डाल रहा है। हाँ थोड़ा कर देना, ज्यादा भी नहीं। ठीक थोड़ा। ये क्या? ये पुदीने की चटनी। पुदीने की चटनी है, मीठा। ये चक्कर का घुला हुआ पानी। थोड़ा पियो नहीं? ओ भाई इसको ठंडा गाय में करते हो तुम लोग? ये भैया दुकान से लाते ऐसे ठंडी आती है। बर्फ थोड़ी डालते हो इसमें? नहीं बर्फ नहीं मिलता है। हो गया रेडी?